बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में। उन्होंने तिरुपति के लड्डू प्रसादम को लेकर बड़ी कड़ी राय जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर प्रसादम में चर्बी मिलाने का काम किया गया है तो ये घोर निंदनीय है, ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि तिरुपति बालाजी के मंदिर प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाली बात अगर सच है तो ये बहुत बड़ा अपराध है और निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि वहाँ की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और उन्हें फांसी पर लटकाए। इस मामले की बहुत बारीकी से जांच होना चाहिए। सरकार को जल्दी मंदिरों को हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी के घी का लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया था या प्रसाद लगाया गया, अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को धर्म भ्रष्ट करने के सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।